अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं हसन इलेक्ट्रिकल पॉइंट मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे कि सीलिंग फ़ैन में कैपेसिटर कैसे चेंज किया जाता है और चेंज करना बहुत ही आसान है। ये आपके सामने एक सीलिंग फ़ैन है, यानी कि छत वाला पंखा है। आप लोग जब जाते हैं इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं या किसी को बुला के लाते हैं कि हमारे पंखे में कैपेसिटर डालना है, कैपेसिटर डालने की ये वजह होती है कि बाज़ गाथ ने इसकी स्पीड कम हो जाती है। गर्मी में मूमन इस तरह के वाक़ात हर घर में होते हैं। तो ये कैपेसिटर हमने निकाल लिया, ये सेकंड हैंड कैपेसिटर है, इसको हमने उतारना है अब इस कैपेसिटर पंखे से और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी तारें होती हैं जो कैपेसिटर के साथ लगी होती हैं पंखे वाली। ये देखें, इसके साथ ये सेकंड हैंड कैपेसिटर है, ये दो तारें वाइंडिंग से बाहर आ रही हैं जो पंखे को लगी हुई हैं, ठीक है। ये 3.5 का कैपेसिटर लगा हुआ, ये पुराना पंखा है, वैसे इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। ये हमने इस कैपेसिटर को उतार लेना इधर से, ये देखें दो तारें आपने लोगों ने अलग कर ली हैं। बहुत ही आसान है, आप ख़ुद भी घर से पंखे को उतार के नीचे या ऊपर छत पे लगा के पंखे को चेंज कर सकते हैं, कोई नीचे कोई चीज़ रख के। तो ये तो हमारी शॉप पे आया, तो हम चेंज करा रहे हैं आपको। ये देखें कैपेसिटर है 4.5 का है, फ्यूजी कंपनी का है, क्योंकि ये सिल्वर ब्रांड है। इसको थोड़ा सा हमने इसलिए ज़्यादा लगाया कि ताकि इसकी स्पीड थोड़ी सी ना ज़्यादा हो जाए। ये जो तारें आपने उतारी हैं वही दो तारें कैपेसिटर को लगा देनी है। ये इशू कोई नहीं है कि वो वाली तार इधर लगानी है, ये उधर लगानी है, इसका कोई इशू नहीं होता। दो तारें हैं जो उतारी हैं आपने, जिधर मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी जिधर मर्ज़ी लगा दें। ये दो तारें लगा दी हैं हमने अच्छी तरह से। ये एहतियात करना है कि ये इसके ऊपर ये जो कैप वगैरह होते हैं, स्लीप इसको बोलते हैं, ये आपने ऊपर लगा लेना। अगर नहीं है तो फिर आपने ऊपर इसके टेप कर लेनी है अच्छी तरीके से, क्योंकि बाज़ पंखे जो शॉर्ट भी हो जाते हैं। टेप वगैरह जो भी तार लगे उसके ऊपर टेप अच्छी तरह कर लें, ताकि आपका जो पंखा है वो शॉर्ट ना हो। ये हमने इसके ऊपर टेप कर लेंगे अब। ये सारे कैपेसिटर के ऊपर जो है टेप अच्छी तरह कर लें। ये देखिए कैपेसिटर अच्छी तरह टेप हो गई। अब इसको आपने पंखे के अंदर ही फिट करना है। ये देखिए, ये सामने वाला जो होल है, अच्छी तरह तारें एक साइड पे लगा के पंखे के अंदर ही आपने कैपेसिटर को फिट कर देना है। ये देखें, और इसके ऊपर जो कैप होता है ये फ़ैन का, ये आपने लगा के, और जो नट है इसका जो नट होता है वो लाजमी आपने जो है ना काबला को कसना है, ताकि चूड़ी लूज़ हो गई नीचे ना गिर जाए। ये थोड़ी सी एहतियात होती है, ये आप खुद करें, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और मज़ीद वीडियो के लिए आप सबसे पहले वीडियो आप देखें। शुक्रिया। आपके सामने जो है हमने चला के चेक किया, माशाल्लाह स्पीड काफ़ी बेहतर हो गई है, पहले से ज़्यादा हो गई है। मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ वीडियो देखने के लिए।